मुरादाबाद में सांप पकड़कर जंगल में छोड़ने जा रहे एक सपेरे को सांप ने डस लिया। आनन फानन में सपेरे को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सपेरा अपने साथ में पकड़े गए सांप को भी लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया और उसने कहा कि वो अपना उपचार कराने के बाद इस सांप को जंगल में छोड़ देगा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर का रहने वाला लियाकत, जो कि सांप को पकड़ने का काम करता है, लियाकत का कहना है कि उसे किसी ग्रामीण ने सूचना दी कि गांव खजूर की सराय में एक घर में सांप घुस गया है, जिस पर वो गांव खजूर की सराय में सांप को पकड़ने गया। सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए वापस लौट रहा था कि इस दौरान रास्ते में अगवानपुर बाईपास पर सांप ने सपेरे लियाकत को डस लिया। आनन फानन में लियाकत को उसके परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर दौड़े। लियाकत अपने साथ में पकड़े गए सांप को भी लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। लियाकत का कहना था कि उसने जो सांप को पकड़ा है वो अब इसे जंगल में छोड़ देगा। लियाकत का कहना है कि ग्रामीण के घर में सांप घुस गया था। सूचना पर वो ग्रामीण के घर में सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा था और रास्ते में सांप ने उसे डस लिया। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? लियाकत। लियाकत भाई, क्या परेशानी हुई है? परेशानी कुछ नहीं है सर। आपके सांप ने काटा? जी। कौन सा सांप है ये? कोबरा। आपने पकड़ लिया सर? जी। अब आप कहाँ हैं? मैं अस्पताल में हूँ। तो इस सांप को लेके भी आए? लेके भी जाएंगे हम। लेके भी जाएंगे? हाँ, जंगल छोड़ेंगे। जंगल छोड़ेंगे जी। तो आपके ये कहाँ काटा? ये काटा मुझे अगवानपुर बाईपास। अगवानपुर बाई, क्या कर रहे थे आप? मैं इसको पकड़ के ला रहा था। पकड़ के ला रहे थे? ये पकड़ा तो खजूर की सराय है। अच्छा। हाँ। तो आप सांप पकड़ते हैं? जी। तो इसके इसने आपके काटा? जी। खास बात तो ये रही कि सांप के डसने के बाद भी सपेरा लियाकत जिला अस्पताल पहुंचा और वो अपने साथ में सांप को भी ले गया था। गौरतलब है कि सांप को देख जिला अस्पताल के मरीजों में हड़कंप मच गया।